हरिद्वार के धनौरी मार्ग से सलेमपुर सुमन नगर जाने वाली चक रूट को वन विभाग के रेंजर दिनेश नोजियाल के द्वारा क्षतिग्रस्त करने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सुमन नगर और सलेमपुर वासियों ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से मुलाकात करके रेंजर के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपते हुए रेंजर के खिलाफ कार्रवाई और रास्ते को खोलने की मांग की है। राजेश कुमार है, मैं सलेमपुर सुमन नगर से आया हूँ। हमारी एक रास्ते की समस्या है जिसके लिए हम लोग डीएम साहब से मिले थे। इससे पूर्व में हम डीएफओ साहब से मिल चुके हैं। हमारा एक राम खेतों का रास्ता है जो धनोडी सर्कुल मार्ग को जोड़ता है। रेंजर वहाँ जाते हैं, हमारे रास्ते को जेसीबी से बार बार खुदवा देते हैं। कहते हैं कि इस रास्ते को मैं चलने नहीं दूंगा, आप लोग बाहरी हैं, यहाँ के दादागिरी जगह। रेंजर की तानाशाही से परेशान होकर कहीं से भी कोई काम नहीं हुआ। जब डीएफओ साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लोग डीएम साहब के पास आए थे। हमने इनको अपनी सूचना लिखित में दी है सारी, उन्होंने हमें रिसीविंग भी दी है और 24 से 48 घंटे का हमारी समस्या के समाधान का हमें आश्वासन दिया है। मैं अब पुनः कह रहा हूँ और लगातार मीडिया के माध्यम से, चैनल आप लोगों के माध्यम से, ये लगातार अपने जो हमारे यहाँ के निवासी हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हीं प्रॉपर्टीज को परचेज करिए जो कि एचआरडीए से अप्रूव्ड हो। अगर आप बिना अप्रूव किए जाएंगे तो कल आपको ही दिक्कत होगी। और पिछले कार्रवाई करने का एक मेन उद्देश्य रहा कि इस वर्ष बरसात में मैंने देखा कि हमारे यहाँ काफी भीड़ रहती थी लोगों के साथ, पेयजल नहीं है, वहाँ पर निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवर नहीं है। तो मैंने इसके तह में जाने की कोशिश की आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बिल्डर अपना बना के भाग जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है, प्रशासन के पास, क्या उपलब्ध कराइए, जबकि ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बिल्डर की है, कॉलोनाइजर की है।